हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राम हियर। वेलकम टू फिल्मी राम। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइगर 3 के फर्स्ट दिन के एडवांस बुकिंग के बारे में, जो कि काफ़ी औसम और लाजवाब है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कुछ मूवी ऐसी है जो कि सबका रिकॉर्ड तोड़कर पर्दा फाड़कर आगे निकल जा रही है। उसमें से कुछ मूवियों का मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। जैसे मैं बात करता हूँ 2023 की ये मूवी जो कि ब्लैकबस्टर सुपर डुपर साबित हुई, और उस मूवी का नाम है जवान, जो कि काफ़ी दिलचस्प रहा। इसका एडवांस बुकिंग मैं बात करूँ एडवांस बुकिंग की, तो 557,000। वहीं मैं बात करूँ एक और मूवी जो कि काफ़ी ब्लैकबस्टर साबित हुई, और उस मूवी का नाम है KGF, जो कि काफ़ी कहानी और एक्शन सीक्वेंस काफ़ी लाजवाब, बैकग्राउंड म्यूजिक तो मतलब कुछ ना ही नहीं है, इतने दमदार रहे। और ये मूवी भी ब्लैकबस्टर साबित हुई। अपना फर्स्ट शो का जो टिकट बेच पाई वो 515,000 टिकट बेच पाई। बात करें अगली मूवी की, तो अगली मूवी ब्रह्मास्त्र है, जो कि काफ़ी ये भी दिलचस्प रही। एक नए जमाने के नए ट्रेंड के हिसाब से इस मूवी का निर्माण हुआ था, और ये मूवी भी फर्स्ट शो का अपना टिकट 360,000 बेच चुकी थी। वहीं अब बात करें एक और मूवी की, जो कि वो भी काफ़ी दिलचस्प रही, और उस मूवी का नाम है आदि पुरुष, जो कि वो अपना फर्स्ट शो का टिकट बेच पाई थी। 285,000 अपना फर्स्ट शो का टिकट बेच पाई थी। और मैं वहीं बात करूँ एक अगली मूवी जो कि काफ़ी दिलचस्प रही, और ये प्रेम कथा पे निर्धारित है ये मूवी, और उस मूवी में जो लीड रोल में है वो सनी देओल हैं, और वो मूवी अपनी टिकट बेच पाई थी 274,000। अब बात करते हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि हाल ही में दिवाली के दिन वो रिलीज होने वाली है, और मैं बात करूँ उस मूवी की थोड़ी से बारे में, तो लीड रोल में जो एक्टर्स दिखने वाले हैं, सलमान खान, कैटरीना कैफ और विलियन के रूप में दिखने वाले हैं इमरान हाशमी, जो कि काफ़ी एक अलग अंदाज में इन लोगों ने एक्टिंग और एक्शन सीक्वेंस तो मतलब पूछना ही नहीं है, म्यूज़िक भी काफ़ी लाजवाब हैं। और बात करें इमोशन की, तो थोड़ा बहुत इमोशन और रोमांस भी है। और मैं अब बात करता हूँ मेन पॉइंट जो कि टिकट की, तो ये फर्स्ट शो का टिकट अपना बेच पाई है पूरे 33,000 फर्स्ट डे के दिन वो अपना टिकट बेच पाई। मैं बात करता हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि काफ़ी दिलचस्प है वो मूवी, और यही दिवाली के दिन 12 नवंबर को रिलीज होने वाली है, और इस मूवी के डायरेक्टर हैं मनीष शर्मा, जो कि काफ़ी एक अलग अंदाज में मूवी मास मूवी बनाने का प्रयास करते हैं, और काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है जो कि बिल्कुल ऑडियंस को सीट पे बांध के रखेगी। और हम बात करते हैं एडवांस शो की बुकिंग के बारे में, तो ये फर्स्ट शो का जो बुकिंग कर पाई है ये पूरे 33,000 टिकट बुकिंग कर पाई है। और वहीं मैं बात करूँ इनकम की, तो तकरीबन 1 करोड़ रुपये की इनकम फर्स्ट बुकिंग शो की ये कर पाई है। वहीं मैं बात करूं जवान मूवी की, तो ये फर्स्ट शो का जो टिकट बुक कर पाई थी वो 15,00,000 से अधिक की टिकट बुक कर पाई। ये रहे टाइगर 3 के न्यू अपडेट, जो कि दिवाली पे रिलीज होने वाली है, और ये मूवी फर्स्ट दिन कितनी एडवांस बुकिंग कर पाई है और इसके रिकॉर्डिंग ये वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।